राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन के दौरे पर पहुंची अमृतसर। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज ने देखा बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच का हुआ आयोजन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 3 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचा। आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेगा जायजा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ की। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं में धन शोधन के सिलसिले में की जा रही पूछताछ। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने आगामी गर्मियों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुमुखी नीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विद्युत क्षेत्र, कोयला व रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने लिया भाग। भारतीय नौसेना का मुख्य परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रॉपिक्स 2023 अरब सागर में शुरू। अभ्यास में भारतीय नौसेना के 70 जहाज, 6 सबमरीन और 75 लड़ाकू विमान हुए शामिल। सीआरपीएफ की 75 महिलाओं के दस्ते को केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। यह दस्ता 16 दिनों में 1848 किलोमीटर की दूरी करेगा तय। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी। 1296 महिलाओं को सेना में पहली बार किया गया भर्ती। नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। नेपाली कांग्रेस से रामचंद्र पोडेल और सीपीएन यूएमएल से सुभाष चंद्र नेम्बांग राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला।